बिल्कुल भाई, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा भाई, कुछ ही दिन बचा है। और ये मम्मी ने मिठाई ले ली है, तो आप शाम को नहीं आओगे? आप जगह ही नहीं मिल रही जगह नहीं मिली प्लेट में। तो अनुराग भैया जो हमारे बियोले हैं, उनके पिताजी हैं भाई। ढोल दबाओ बंद हो गया, लेकिन डांस सिर्फ ना चाहिए। तो आप सभी को नमस्कार, सुशिस्वाल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हो चुके हैं तैयार एक और पहाड़ी शादी के लिए। और ये देखो मेरे साथ कौन कौन है। पाव में तो दिख रहे होंगे पीछे, साथ में मुकुल आ रखा है दिल्ली से, सिर्फ ये शादी अटेंड करने के लिए। भाई की शादी, क्योंकि भाई की शादी है, बहुत ही जरूरी है। चिराग ने 3-4 महीने पहले से बोल दिया था, मुकुल को इनविटेशन दे दिया था, जब से उनका रिश्ता हुआ था मुझे लग रहा है तब से दे दिया हुआ है कि भाई आना है। इनफैक्ट मैं आने रहा था तो फोन आया, तो मुझे बहुत सुन आया उसने यार कि ये का तरीका है भाई आके, फिर मैं एकदम से निकला। अरे ये भी बोला कि वो तेरे भाई की शादी में आया था, तेरे को भी आना है, आना पड़ेगा भाई। सही बात है, सही बात। और पापा तो यहाँ तराजू में लड्डू को तोल रहे, क्योंकि ये जो लड्डू यहाँ पे पैक हो रहे हैं, ये चिराग की जो ताई जी है उन्होंने करवाए हैं ऑर्डर, तो उनके लिए मैं पैक कर रहा था, फिर शादी में उनको सौंप देंगे लड्डू। तो अभी मैं और मुकुल तो यहाँ पे तैयार नहीं हो रहे, मेरे घर में हम लोग जा रहे हैं वहीं वेन्यू पे, वहीं पे तैयार होंगे, क्योंकि वहाँ पे चिराग ने बढ़िया इंतजाम करा रखा है। तो जाते जाते मम्मी ने एक लड्डू पे ट्राई करा दिया मुकुल को, बहुत टेस्टी, क्योंकि जब से हमने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है तब से मुकुल आया नहीं था, मिला नहीं था। अभी देखा आगे तो कैसा हो रहा? बढ़िया, बहुत मेन बात आंटी बता रही है कि इसके बहुत फायदे हैं। हाँ, सही चीज है, हेल्दी है, नए बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट। देख ले मैंने आज कैसे चल रहा काम, आंटी बना रही है, तू पैकिंग कर रहा है पूरी। हाँ ये पैक कर दिया मैंने यहाँ पे। वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और जो आज की कॉकटेल पार्टी है वो है कॉर्बेट पैराडाइज में, जहाँ पे सृष्टि मल की भी शादी हुई थी पूरी की पूरी। तो यहाँ पे पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले खाने पे टूट पड़े, क्योंकि भाई को बहुत भूख लग रही थी। हाँ, दिल्ली से आया था तो सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था इसने। और मैंने तो दोबारा ये ब्लैक ही पहन लिया है, क्योंकि आज चिराग ने बोला था कि आज की थीम ब्लैक है, तो सारे मोस्टली सारे लोग ब्लैक ही पहन रहे हैं, तो मैंने भी ब्लैक पहन लिया। सबने और मम्मी तो पता नहीं कहाँ गायब हो रखी थी। पापा ने इस बार बहुत बड़े डांस किया, आ गए लो, पापा भी आ गए। ये देखो ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो कैसे ढके हुए हैं सारे के सारे। और टोपी भी अच्छी पहन रखी है आपने, अच्छी लग रही। खाना कैसा हो रहा है? खाना अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं तो अभी खाया नहीं है, तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में। भाई इतना डांस किया है, इतना डांस किया है, और अब मिले हमें मजेदार पहाड़ी ब्योला हमारा। ब्योला ब्योला और ब्योला की दीदी मिले हमें। कैसा लग रहा है भैया? और दीदी आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भाई बताओ। यार 24 घंटे बस हाँ। उसके बाद जवाब फिर जयमाला चलने वाली है। 24 घंटे बस, 24 घंटे बाद चलेगी, 24 घंटे अभी नहीं। इम्प्रॉम्प्ट इंटरव्यू नहीं देते। भाई ढोल दबाओ बंद हो गया, लेकिन डांस ही रुकना चाहिए। हाँ सही बात, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। बाकी है, मजा आ गया।
भाई मुकुल को पूरा डांस करा दिया पूरा पूरा पार्टी। मुकुल तो हमारा मुजफ्फरनगर का है लेकिन पूरा पार्टी गाने पे डांस कर रहा है। पार्टी मजा आ गया पड़ा। चिराग ने 6 महीने से बिल्डअप कर रखा था कि अनुराग भाई की शादी है शादी है शादी है और सच में बहुत मजा आ रहा है हमें। मजा बहुत अलग चीज है ना ठीक है, बट वो बिल्डअप इसलिए था क्योंकि उसके काम में ही खाता था यार। कुछ ही दिन बचे कुछ ही दिन बचे कुछ ही दिन बचे तो जितना मैं बोलता गया शायद से उतना आगे तक बताता गया। बिल्कुल भाई ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा भाई कुछ ही दिन बचे। मैं किस फॉर्म में बोल रहा था वो किस फॉर्म में रेस कर रहा था वो अलग चीज है वो अलग चीज है। लेकिन हैदराबाद में जब मैं नौकरी कर रहा था अरे तो उस टाइम पे भैया भी वहीं थे। हैदराबाद में मैं चिराग और सुरेश हम तीनों साथ थे और शायद से उसी के बाद तूने डिसाइड किया था ना कि तू छोड़ छाड़ के फिर यू विल कम दिस प्रॉपर्ली यूट्यूब में आऊंगा मैं। पर भैया के साथ उस टाइम पे भी बहुत एंजॉय किया भैया ने। दैट वाज वन टाइम यार। उस टाइम पे भैया से बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी हमारी। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और कल शाम की कॉकटेल पार्टी बहुत ही बढ़िया रही और मैं और मुकुल कल होटल में रुके हुए थे और अभी मैं आया हूँ मम्मी को लेने के लिए घर से और वापस वहीं जा रहा हूँ वेडिंग पॉइंट। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, मतलब मैंने वहाँ चिराग को इससे बोलता है होटल का कमरा करा देना क्योंकि आना जाना बहुत दूर है यहाँ से। अब मेरे को मतलब वो हो ही गई वो चीज कि मैं दोबारा आई गया यहाँ पे। एक ही टाइम तो आ रहा है, अभी छोड़ने भी तो जाऊंगा फिर। अब नहीं कोई बात नहीं, मैं छोड़वा तो अभी हम दोबारा पहुंच चुके हैं वेन्यू पे और आज है हल्दी। आपको देख के लग ही रहा होगा मैंने भी पीला पहना हुआ है, यहाँ पे मैडम ने भी पीला पहना हुआ है और अभी लगभग 12:30 हो चुके हैं तो थोड़ा लेट हो चुके हैं हल्का सा। आजकल पता नहीं क्यों लेट ही स्टार्ट हो रहे हैं बहाने। वरना पहले तो सुबह सुबह मैंने देखा जब मेरे चाचा लोगों की शादी हुई थी उस टाइम पे तो 8-8 बजे स्टार्ट हो जाते थे है ना। 9 बजे अब 11-12 के बीच में स्टार्ट होते हैं। रात भर उठे रहते हैं। हाँ ये तो है। रात तक सॉरी तुमका लग जा रहा। बढ़िया हल्दी का कार्यक्रम का समापन हो चुका है। मैं अभी जा रहा हूँ मुकुल भाई का लेने के लिए, उनकी नींद खुल गई है तो उसने बोला फटाफट आ जा मेरे को लेने के लिए क्योंकि उसको भूख बहुत ज्यादा लग रही है और अभी ढक्कन भी खुलने वाले खाने के। और साथ में दिखा रहा था मैं आपको ये जिस रिजॉर्ट में भी शादी हो रही है वहीं पे इतना बढ़िया लिखा रखा है देखो आई लव कोटद्वार।
बाकी मुझे लग रहा है हमारे कोटद्वार में कहीं भी नहीं है ये चीज। तो इसे होटल से उठा के मैं ले आया हूँ और अभी खाना भी शुरू हो चुका है और साथ में भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तो फटाफट चलते हैं और कुछ देखते हैं क्या बना हुआ है खाने पे। जगह ही नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही प्लेट में। हाजर का गलवा बाद में खाएंगे, हाजर का गलवा बाद में लेंगे। यहाँ तक खाना भर लिया यहाँ तक, क्योंकि सुबह भी नहीं खाया था और रात को भी इतने ढंग से नहीं खाया था, तो इस समय इतनी भूख लग रही थी खतरनाक वाली। वही तो पेट ऐसा हो गया ना, बाहर निकल रहा है। क्यों नहीं खाया था फिर सुबह? क्यों नहीं खाया सुबह? कहाँ सो नहीं रहते। और ये मम्मी ने मिठाई ले ली है, तो आप शाम को नहीं आओगे आप? नहीं नहीं, ये ऐसा होता है पता है, शाम को ही मिठाई, सुबह ही मिठाई दे दो तो शाम की छुट्टी। सही बात, टेंशन खत्म हो जाती है। कब से चला रही है रिवाज? सही है वैसे, दे दिया छुट्टी, दे दिया, बात का काम नहीं बचा। क्योंकि जयमाला के बाद सब एकदम निकल जाते हैं ना, कोई पहले निकलता है कोई बाद में निकलता है, तो फिर घर वालों के लिए टेंशन हो जाती है कि अरे उसको तो दिया ही नहीं हमने, उसको दिया ही नहीं। इस टाइम ये सबको मिलेगा, इस टाइम कोई भूल चुक नहीं। तो मम्मी को घर पे वापस ड्रॉप कर दिया है, बाय बाय बाय, सामान नहीं जा रहा, जाओ जाओ जाओ। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं ऊपर आने का। मम्मी कह रही है ऊपर तक सामान छोड़ दे, इतना सारा पकड़ा हुआ मैंने, मैं मतलब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं जा रहा हूँ होटल के कमरे पे सोने के लिए, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो कल से हम इसी होटल में रुके हुए हैं, सूर्य प्लाजा, अभी भी हम यहीं पे ही जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो फिलहाल हमारे कॉकटेल और हल्दी वाले ब्लॉग को यहीं पे ही समाप्त करेंगे। और तुमने तो हमारी वो देखी नहीं, पहाड़ी हल्दी और जो भी चीज़ें बाद में हल्दी के, सोता रहेगा ना फिर, कोई नहीं आपके ब्लॉग में देख लूँगा जो सोया वो खोया। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बंडे अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले बारात वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।